अमेरिका, यूरोप और नेटो अब पुतिन के सामने बहुत कमजोर साबित हो रहे हैं। पुतिन के बयान अब इन देशों में वायरल हो रहे हैं और नेटो को चढ़ा रहे हैं। पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि रूस के दुश्मनों को जहन्नुम मिलेगा और एक बार फिर कीव को टारगेट पर ले लिया गया है। पुतिन का एक बयान पूरी जंग की दिशा को मोड़ सकता है। कई बार जो काम पुतिन की करोड़ों रुपए की मिसाइल भी नहीं कर पाती है, अरबों खरबों रुपए के हथियार भी जो काम नहीं कर सकते हैं, वो काम पुतिन अपनी कूटनीति से करने में माहिर समझ जाते हैं। और ऐसा ही हुआ यूक्रेन के अंदर। जेलेंस्की ने पूरे गाजे बाजे के साथ खूब प्रचार करके प्रोपोगंडा फैलाकर ये घोषणा की थी कि अब यूक्रेन की आर्मी काउंटर ऑफेंसिव करने जा रही है। लेकिन इस सारे काउंटर ऑफेंसिव की पुतिन ने एक बयान से हवा निकाल दी और अब ये हालत है कि जेलेंस्की और पूरी टीम ये सफाई देने में जुटी हुई है कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव फेल नहीं हुआ है। जेलेंस्की ने खुद ऐसा ही एक बयान जारी किया है। जेलेंस्की ने अपना सबसे बड़ा जनरल फ्रंट लाइन पर उतार दिया है। और जेलेंस्की ने अपनी बड़ी बड़ी मूंछों वाले कमांडो जंग के मैदान में भेज दिए हैं। हथियारों की ऐसी ताकत है पुतिन के पास क्योंकि पुतिन का आत्मविश्वास लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसलिए पुतिन ने बिना रुके जेलेंस्की के काउंटर ऑफेंसिव को एक और झटका देते हुए सीधे कीव पर ही ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। यानी पुतिन का मैसेज साफ है, रूस के कब्जे वाले इलाके बाद में लेना, काउंटर ऑफेंसिव बाद में करना, पहले अपना घर तो बचा लो, कम से कम ही बचा लो। जेलेंस्की ने फ्रंट लाइन पर सबसे बड़ा जर्नल क्यों भेजा, ये पूरी कहानी हम आपको आगे बताएंगे और समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कीव पर हुए ताबड़तोड़ हमले की। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और इसके अलावा लवीव के पश्चिम शहरों समेत पूरे यूक्रेन में सैन्य और बुनियादी ढांचे पर ताबड़तोड़ हमला किया है। ब्रांस्क क्षेत्र और अजोव सागर में दर्जनों ईरानी ड्रोन लॉन्च किए थे, लेकिन यूक्रेन ने यह दावा किया कि 35 में से 32 ईरानी ड्रोन एयर डिफेंस ने मार गिराए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस इसलिए बौखला गया है क्योंकि रूस की सेना ने 112 वर्ग किलोमीटर की रूसी कब्जे वाली जमीन को आजाद करवा लिया है। जेलेंस्की के दफ्तर से भी ये बयान जारी हुआ है कि ईरानी ड्रोन्स के खिलाफ 4 घंटे तक एयर डिफेंस की कार्रवाई चलती रही, लेकिन कई वाणिज्यिक इमारतों और निजी घरों को नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ यूक्रेन की वायुसेना की तरफ से ये भी कहा गया है कि रूस ने इस्कंदर और S-300 मिसाइलों के साथ ज़ापोरिज़्या पर भी हमला किया है। रूस ने ज़ापोरिज़्या पर 7 मिसाइलें दागी हैं।
तस्वीर को देखकर ये पता चल रहा है कि वैसे तो ज़ेलेंस्की की हालत काफी खराब चल रही है, लेकिन इसके बाद भी ज़ेलेंस्की की तरफ से ये बयान दिया गया है कि काउंटर ऑफेंसिव फेल नहीं हुआ है बल्कि सही दिशा में चल रहा है। Першочергово передова конкретні питання наступу були доповіді командувачів та командирів безпосередньо з напрямків боїв. Також доповідь главкома, керівника ГУР. Окремо і детально розглянули підготовку та забезпечення технікою нових бригад Національної гвардії та наших прикордонників, тих, які чекають свого часу для бойових дій. На частині напрямків наші воїни рухаються вперед. На частині напрямків захищають позиції та протистоять штурмам і посиленим атакам окупантів. У нас немає втрачених позицій, тільки звільнення. बयान देने के अलावा ज़ेलेंस्की ने अपने सबसे फेवरेट जर्नल यूक्रेन की सेना के सबसे बड़े जर्नल वेलेरी ज़ालुज़नी को फ्रंट लाइन पर भेज दिया है। वेलेरी ज़ालुज़नी ने फ्रंट लाइन पर ही ये वीडियो रिकॉर्ड करवाया है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि ज़ालुज़नी एक टेबल पर दूसरे जर्नलों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और ये फैसला करने में लगे हैं कि रूस के किन मोर्चों पर हमला किया जाए, किन मोर्चों पर रूस कमजोर है। इस तरह के प्रोपेगेंडा वीडियो तभी डाले जाते हैं जब किसी कमी को छुपाने का प्रयास चल रहा हो, लेकिन इसके अलावा भी ज़ेलेंस्की की तरफ से संकेत किया जा रहा है कि काउंटर ऑफेंसिव तो सिर्फ एक झांकी है, असली हमला तो अभी बाकी है। ज़ेलेंस्की ने अपने ताज़ा बयान में ब्रिटेन की मदद का जिक्र करते हुए कहा है कि उसकी सेनाओं को ब्रिटेन के द्वारा दी गई स्ट्रॉन्ग शेडो मिसाइलों से बहुत ज़बरदस्त मदद मिली है, निशाने सटीक लग रहे हैं और टारगेट हासिल किए जा रहे हैं। यहां तक कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी ज़ेलेंस्की को जबरदस्त सपोर्ट हासिल हो रहा है। ऋषि सुनक ने अपने इंस्टाग्राम पर एक रील भी जारी की है जिसमें वो ज़ेलेंस्की को अपनी मां के हाथों की बनी हुई बर्फी भी खिला रहे हैं। हालांकि यूक्रेन का जो हाल हो रहा है, ज़ेलेंस्की का मुंह इस बर्फी से भी नहीं मीठा होने वाला है। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि अभी भी ज़ेलेंस्की को अगर किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो यही सबसे भरोसेमंद जर्नल वेलेरी ज़ालुज़नी है जिसको ज़ेलेंस्की ने फ्रंट लाइन पर भेजा है। एक ऐसा जर्नल जिसको दुनिया लोहे का जर्नल यानी आयरन जर्नल कहती है। ये ज़ेलेंस्की का सबसे चहेता जर्नल है जो यूक्रेन की जमीन का सबसे बड़ा जंगबाज भी साबित हुआ है। कीव से लेकर खार्किव तक रूस की आर्मी को धूल चटाने की योजना बनाने वाला जर्नल यही है। पुतिन के पास किंझल मिसाइल है। पुतिन के पास कैलिब्र मिसाइल है। पुतिन के पास खतरनाक इस्कंदर मिसाइल है। पुतिन के पास खौफनाक सरमत मिसाइल है। लेकिन ज़ेलेंस्की के पास ये जर्नल है जिसने अपनी शानदार रणनीति के दम पर कीव, खार्किव, इज़्यूम और लिमान में रूस की सेनाओं को पीछे धकेल दिया था और इसी जर्नल पर अब भी ज़ेलेंस्की को बहुत ज्यादा भरोसा है। ज़ेलेंस्की का ये 4-स्टार जर्नल यूक्रेन के अंदर पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन है जिसने ये ऐलान किया है कि हम इस जंग को अपने बच्चों तक नहीं जाने देंगे, रूस से जंग हमारे बच्चे नहीं लड़ेंगे, हम अपने दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ वेलेरी ज़ालुज़नी का दिमाग इतना तेज चलता है कि वेलेरी ज़ालुज़नी की तुलना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और अमेरिका की जीत के रणनीतिकार रहे तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से की जाने लगी है। पिछले 24 फरवरी पर जब
पुतिन की मिसाइलें कीव पर कहर ढाने लगी और रूस की फौज ने सिर्फ एक हफ्ते के अंदर कीव को फतह कर वहां फ्लैग मार्च की योजना बनाई। तब सबसे मुश्किल में घिरे ज़ेलेंस्की यूक्रेन के कमांडर इन चीफ वैलरी ज़ालुज़नी के साथ मीटिंग की। वैलरी ज़ालुज़नी ने कीव की लड़ाई में रूस के खिलाफ रणनीति बनाई। ज़ालुज़नी ने कीव की लड़ाई को चार चरणों में बांटा। पहला चरण, रूस की सेना को कीव तक आने दिया जाएगा, ज्यादा प्रतिरोध नहीं किया जाएगा। दूसरा चरण, रूस की सेना के अपने आपूर्ति केंद्रों से काफी दूर चले जाने का इंतजार किया जाएगा। तीसरा चरण, रूस की सेना के खाने पीने का सामान यानी रसद या सप्लाई लाइन को काट दिया जाएगा। और चौथा चरण, सप्लाई लाइन कटने के बाद भूखी प्यासी रूस की सेना पर हमला किया जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब रूस की आर्मी कीव के पास तक पहुंच गए तब रूस की सप्लाई लाइन कट गई और भूखे प्यासे रूस के सैनिकों पर यूक्रेन की ड्रोन आर्मी और जैवलिन मिसाइलों ने खात्मा कर डाला। आखिरकार पुतिन की आर्मी कीव से उल्टे पांव भागने को मजबूर हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, 24 फरवरी को यूक्रेन के कमांडर इन चीफ वैलरी ज़ालुज़नी ने एक बयान भी दिया था, चाहे कितना खून बहे हम कीव को झुकने नहीं देंगे। इस फौलादी जर्नल को रास्ते से हटाए बिना पुतिन के लिए जंग जीत पाना इतना आसान भी नहीं है। पुतिन की सेना को डराने के लिए अब ज़ेलेंस्की ने अपनी सेना के ऐसे खतरनाक बड़ी बड़ी मूंछों वाले सैनिक उतारे हैं। यूक्रेन के सैनिकों ने मंगलवार को डोनेस्क की फ्रंट लाइन पर गोलीबारी की है। ये सारे सैनिक यूक्रेन की 35वीं ब्रिगेड के हैं जो अपने कमांड सेंटर के आदेशों का पालन कर रहे हैं। इन्होंने भारी साजो सामान के साथ काउंटर अटैक की जिम्मेदारी संभाली। Моя роль роты заключается в том, что моя рота має наносити найбільше вогневе ураження для того, щоб піхота, яка штурмує наші позиції, продвигалась вперед. Показує карта просування наших військ, то дуже вдало ми просуваємося на Запорізькому напрямку, на Бахмуті. В оточення беремо Бахмут. Думаю, ще трішки, та ті території, які ми втратили, ми заберемо обратно. यूक्रेन के सैनिकों को अब भी उम्मीद है कि ज़ापोरिज़्या और बखमूत में उनकी सेना आगे बढ़ रही है और पूरी सेना का मनोबल इसलिए ऊंचा है। इन सैनिकों का सबसे बड़ा हथियार एक ट्रक माउंटेड सोवियत युग की एक एयरक्राफ्ट गन है जिसे ZU-23 कहा जाता है। Ми закляті і вперті, бо для вільної людини рабство гірше смерті. ज़ेलेंस्की कुछ भी कर ले, लेकिन पुतिन ने नेटो के 20 से ज्यादा देशों को जवाब दे दिया है। बेलारूस में पुतिन ने परमाणु बम तैनात कर दिए और ये साफ कर दिया है कि अमेरिका और नेटो को जो करना हो करे, जहन्नुम में जाएं। Я потом вам скажу об этих соображениях. Да, вам скажу пока, не публично. Вот. Но такая возможность есть, все это понимают. Все просто ждут, что мы начнем кнопки нажимать. Но нет такой необходимости. बेलारूस को परमाणु बम देकर पुतिन ने बेलारूस के कई पड़ोसी देशों को भी दबाव में ला दिया है। पुतिन अपने दुश्मनों को सजा दे रहे हैं और पुतिन इसे अपना अधिकार भी समझते हैं।